है गाइस, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टिकटॉक का एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत लोग इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसे बनेगा उसको मैं स्टेप बाय स्टेप दो मिनट में आपको बता दूंगा। बहुत ही आसान स्टेप से मैं आपको बताने वाला हूँ, आप दो मिनट में सीख जाएंगे और इस वीडियो को देख करके आप अपना वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस टाइप का वीडियो हम बनाएं आपके लिए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एडिटिंग के लिए आपके पास काइन मास्टर ऐप होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए, 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करिए, जिसमें आप जिस फॉर्मेट पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद मीडिया पर जाएंगे, उसके बाद उस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे जो आप नॉर्मल कैमरे से अपने शूट किए हैं। कुछ इस टाइप का आप अपना वीडियो शूट कर लीजिएगा। मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करिए, कैंची पे जाइए और ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करके काट दीजिए। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर आप कूदते हैं इसमें, उस वाले जगह पर आपको वीडियो को ले आइएगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ लाइए, इतने पे या इतने पे लाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और कैंची पे जाइए और यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी पे सिलेक्ट करने पे आप यहाँ से एक जो है डिलीट के ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जा करके कैप्चर सेव फ्रेम कर लीजिएगा। इस फोटो को कैप्चर कर लेना हम लोग को। उसके बाद जो है बैकग्राउंड इरेजर वाले ऐप पे जाकर के आप इसका बैकग्राउंड इरेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं और यहाँ पे सादे वाला पे आएंगे। यहाँ पे जहाँ से मैं हट जा रहा हूँ, यहाँ जहाँ से बैकग्राउंड खाली यहाँ से जा रहा है, वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद जो है कैंची पर जाएंगे, ट्रिम टू प्ले हट करके काट देंगे, इधर लेफ्ट की तरफ काट के काट दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हो तो वैसे ही इधर का भी काट दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आप कूदे हैं, मान लीजिए इस वाले हिस्से पे कूदे हैं, यहाँ पे आप जो वीडियो जो अभी आप यहाँ से वो लिए थे, एक फ़ोटो यहाँ से कैप्चर किए थे, उसको लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इस फ़ोटो का बैकग्राउंड को जो है इरेज कर चुका हूँ। तो इसको यहाँ पे सिंपली जो है थोड़ा बड़ा करके एकदम सेम उसमें मैच कर लेना है, बिल्कुल पता ना चले ऐसा हमको मैच करना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ चाबी वाले आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग आगे करेंगे लगभग एक सेकंड के लिए, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे अपने उस फोटो वाले लेयर पे क्लिक करिए जिसका बैकग्राउंड हटाए हैं और उसके बाद यहाँ से नीचे ऐसे कर दीजिएगा, ये यहाँ से डन कर दीजिए। उसके बाद हम लोग स्लाइड करके देख लेते हैं कि कैसा बना है ये हम लोग का, ये देखिए यहाँ पे ये गायब जा रहा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे आप कूदे हैं, यहाँ पे जाएंगे, एक और फोटो जो इस वाले लेयर का आप जो है कैप्चर किए थे उसको यहाँ पे जाएंगे, लेयर पे मीडिया में जाएंगे और जो कैप्चर किए ये वाला फोटो, ये नहीं रॉन्ग हो गया, मीडिया पे जाएंगे, कैप्चर पे जाएंगे, एक सादा जो फ्रेम का हम यहाँ पे वो किए हैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ स्लाइड करेंगे, नीचे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जहाँ पे हमको कूदना है, जहाँ पे ये पानी वाला हिस्सा है, यहाँ पे धीरे से ले आएंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, अब लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और एक वीडियो जो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड किए हैं उसको यहाँ पे सिंपली जो है एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। अब उसको इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे क्रोमा की पे जा करके इसको इनेबल कर लीजिएगा। इनेबल करने के बाद इसको आपको सेट करना होगा ताकि इसका जो है ग्रीन स्क्रीन हट जाए। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से ओके करेंगे, फिर इस ग्रीन स्क्रीन पे सेलेक्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे कलर पे, कलर पे जाके इसको ब्लैक कर दीजिएगा, ब्लैक करके डन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, नीचे हम लोग आएंगे, एकदम नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लेंडिंग पे जाएंगे और स्क्रीन कर देंगे यहाँ से। उसके बाद दोस्तों, हम लोग को सेट करना है कि जहाँ पे हम लोग कूद रहे पानी वाला हिस्सा वहाँ पर आना चाहिए, इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा आगे की तरफ ले जाएंगे, यानी जहाँ हम कूद रहे हैं वहाँ वाले हिस्से से पानी आना चाहिए। तो कुछ इस टाइप का आप स्लाइड करके देखेंगे यहाँ पे, यानी पानी थोड़ा और आगे हम लोग को ये वाला वीडियो ले जाना पड़ेगा। अब देखते हैं,
ये थोड़ा और पीछे करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइम देना पड़ेगा तभी जाके ये वीडियो एडिट होगा। ये देखिए अब आपको मैं प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का वीडियो आपका बना है। थोड़ा सा और बारीक से करेंगे तो और अच्छे से आपका वीडियो बन सकता है। मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं अगर टाइम अच्छे से बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस टाइप का लीजिएगा, उसके बाद जो साउंड इसमें लगाना चाहते हैं, जैसे मैं बाजीगर वाला साउंड को लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली लेयर पे आप जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और कोई भी साउंड आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। मैं ये बाजीगर वाला लगा रहा हूँ, इस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर, उसके बाद कैंची पर जाइए, स्टेट ऑडियो कर दीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप टैप करिए और इसको डिलीट कर दीजिए और आपका गाना नीचे आ चुका है जो हम लोग उसका ऑडियो निकाले हैं। तो कुछ इस टाइप से आप अपना वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए गाना जो अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसमें माइक लगा हुआ है, तो उसको आप सेट करके देख लीजिएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का आपका वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलता हूँ, फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।